जियो ने इस बार बहुत बड़ा धमाका किया है क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जियो ट्रू 5G वेलकम ऑफर अब आपको 2024 तक मिलेगा। यस, बिल्कुल मिलेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। किस तरीके से मिलेगा सब कुछ इसी वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि बात करें, जियो ने ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है सबसे पहली बात, लेकिन जियो वेलकम ऑफर जो आपकी वैलिडिटी है वो 2024 तक अब आप यूज कर पाएंगे। अनलिमिटेड डेटा, 1 GB तक की स्पीड और हाई स्पीड इंटरनेट, जो कि कहीं ना कहीं आज की डेट में आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन बात करें, वैसे ऑफिशियल एविडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम कोई क्लेम करते हैं कि हाँ 2024 तक या 2023 तक आपको जियो वेलकम ऑफर मिलेगा, तो वहां पे एविडेंस बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे इसी वीडियो में। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तब जियो किसी भी सिटी में अपनी 5G सर्विस लॉन्च करता है, जैसे कि स्टेट की बात करें या सिटी की बात करें, वहां पे साफ तौर पे मेंशन करता है कि दिसंबर 2023 तक हम मैक्सिमम पोर्शन जो है वो 5G का कंप्लीट कर लेंगे। डेट मीन्स ये है कि गांव हो गया, तहसील हो गई, शहर हो गया, स्टेट हो गए, तो वहां पे हम मैक्सिमम जहां पे हमारा 4G चल रहा है वहां पे हम 5G में उसे कन्वर्ट कर देंगे, जिसकी सहायता से आप अनलिमिटेड डेटा का एंजॉय ले पाएंगे, 1 GB तक की स्पीड मिलेगी और बहुत कुछ बेनिफिट जो कि आपको जियो ट्रू 5G के साथ मिलने वाले। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जियो वेलकम ऑफर कब तक एक्सपेंड होगा और इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि छोटी छोटी अपडेट आपको एक ही वीडियो में नहीं मिल सकती। रेगुलर आपको अपडेट रहने के लिए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है, चैनल की जो वीडियो होती है उन्हें देखना भी पड़ता है, तभी आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। क्योंकि जियो कोई भी चीज ऑफिशियल लॉन्च नहीं करता, बहुत कुछ चेंज करता रहता है पर डे, जो हम आपको डिटेल टू डिटेल बताते रहते हैं। तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करें, अभी रिसेंटली जियो के एक कस्टमर ने रिचार्ज करवाया। सबसे बड़ी बात थी कि 2023 तक तो हमने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया था कि दिसंबर तक तो आपको मिल रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था कि 2024 तक भी आपको क्या जियो वेलकम ऑफर की वैलिडिटी एक्सपेंड होगी। क्योंकि तब जियो क्लेम कर रहा है कि हम दिसंबर 2023 तक अपना मैक्सिमम पोर्शन 5G में कन्वर्ट कर देंगे, तो 2024 में किस तरीके से एक्सपेंड होगी, क्या रिचार्ज आ जाएंगे। तो यहाँ पे बात करी जाए तो अब आप देखेंगे इस इमेज में 7 फरवरी 2024 तक ये एक्सपेंड हो गया, मतलब जो यूजर है उन्होंने 2,999 रुपए का, मतलब 3,000 रुपए का रिचार्ज करवाया है, जिसमें उनको 365 डेज तो नॉर्मल मिलता है और 23 डेज प्लस मिलते हैं। तो अभी जो रिचार्ज है वो सिर्फ जो मिला है वो पूरे पूरे एक साल का मिला, लेकिन तब ये एक साल का रिचार्ज खत्म होगा तो 23 डेज के लिए भी इन्हें जियो वेलकम ऑफर एक्सपेंड जरूर किया जाएगा, क्योंकि उसके बीच में ये रिचार्ज नहीं करवाएंगे। 23 डेज का मतलब यहाँ पे मैं बात करूँ तो अराउंड मार्च की 5 या 6 तारीख को तक ये इंजॉय कर पाएंगे जियो ट्रू 5G का फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉयमेंट। तो मतलब अब ये थोड़ा सा क्लियर होता हुआ आ रहा है कि हाँ, कि ये इस एविडेंस के आधार पे कहे तो हम कि जियो का आपको 2024 में भी शायद मिड तक सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिले, क्योंकि मार्च आ गया तो लगता है कि जून जुलाई में ही आपको जियो की तरफ से 5G प्लान मिल सकते हैं। लेकिन अभी हम कन्फर्मली इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि अभी जैसे जैसे महीने बीतते चले जाएंगे, लोग साल के रिचार्ज करवाते जाएंगे, हमारे पास एविडेंस आते रहेंगे, हम आपको तुरंत ही शेयर करते रहेंगे। क्योंकि ये भी रिसेंटली है 7 फरवरी और जो हम भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 9 फरवरी है, तो जल्दी जल्दी आपको भी एक्सपेंडेशन मिलता रहेगा, रेगुलर अपडेट भी मिलती रहेगी कि हाँ 2024 तक आप जियो ट्रू 5G का एंजॉयमेंट ले पाएंगे। और वो भी सबसे अच्छी बात यह है कि 4G रिचार्ज पे, बट यह है कि आपको पैसे तो पे करने हैं लेकिन आप एक लंबे ड्यूरेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉयमेंट ले सकते हैं 5G डेटा के, जिसमें आपको अनलिमिटेड डेटा 1 GB तक की स्पीड मिलती है। ऐसी रेगुलर अपडेट के लिए बस एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।